हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है नारियल और गुलकंद के लड्डू, और ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। जितने मज़ेदार ये देखने में लग रहे हैं और स्वाद में भी उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में बना सकते हैं, सिर्फ 8 से 10 मिनट में ही। चलिए बनाते हैं। ये है हमारे लड्डू बनाने के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा हुआ जो नारियल होता है वो लिया है मैंने। मार्केट में अवेलेबल होता है, इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, ठीक है। 1 कप ही मैंने ये ले लिया है, और साथ में मैंने लिया है गुलकंद। गुलकंद मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून रुआ अफ़ज़ा का सिरप लिया है, आप रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, और 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। और साथ में मैंने लिया है पिस्ता, थोड़ा सा ऊपर डेकोरेट करने के लिए। अभी हमने ये जो कोकोनट, जो सूखा ड्राई कोकोनट है, और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों को आपको, जैसे ये बहुत गाढ़ा होता है और इसमें ऑलरेडी शुगर है, तो आपको इसमें चीनी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी है। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाना है। अभी हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कलर। इसका कलर अच्छा कैसे आएगा, तो हमने उसके लिए लिया है रुआ अफ़ज़ा का सिरप 1 टेबलस्पून। इसमें ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर दे रुआ अफ़ज़ा का सिरप। जैसे बनते ना, खाने में तो चीज़ स्वाद होनी चाहिए पर देखने में भी अच्छी होनी चाहिए, तो क्योंकि पहले तो हम आँखों से ही खाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इसका कलर जो है पिंकी बनाने के लिए रुआ अफ़ज़ा का सिरप ऐड कर दिया है। अभी अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करते जाएं, ताकि इसका थोड़ा सा अच्छा सा डो बन जाए। ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके जो, इसको गोल शेप देंगे, हाथों पे रखे इसको ऐसे ही। पहले सबसे पहले थोड़ा सा इसको साइड से ले लीजिए, और इसको अभी गोल शेप में बनाना है। इसको हाथों की तलियों के साथ आप इसको गोल शेप दे सकते हैं, ऐसे ही गोल करते जाएं। और आपको थोड़ा सा उसको स्टफिंग करने से पहले ऐसे उसको गोल करना है, ताकि जो साइडों पे कट ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही हल्के हाथों से प्रेस करके सेंटर में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना है, ताकि उसकी जो स्टफिंग है वो अच्छे से हो सके। इसको थोड़ा सा अभी इसमें गुलकंद ऐड कर लेंगे। तो अभी इसके किनारों को, जो कॉर्नर्स है, सभी को ऐसे ही लॉक करते जाएंगे। अभी हमने जैसे सबकी सब तरफ से इसको बंद कर दिया है, और हाथों को ऐसे ही, मतलब हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो वो जो गुलकंद है वो बाहर आ जाएगी। और ऐसे इसको गोल करते जाना है धीमे धीमे हाथों से, मतलब हल्के हाथों से, ठीक है। जो इसके कट होते हैं, जो साइडों पे कट थे, अभी वो गोल करने के बाद देखिए अभी कोई भी कट नहीं है। ऐसे ही सभी के सभी आपको बना लेने हैं, इसी गोल शेप में बनाते जाएं। बाकी के भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। और जैसे कि जो मैंने गुलकंद इसमें यूज़ की, इसमें ऑलरेडी ड्राई फ्रूट है, मार्केट में बिना ड्राई फ्रूट के गुलकंद भी मिलती है, तो इसलिए मैंने अलग से ड्राई फ्रूट नहीं डाले। अगर आप इसमें अलग से ऐड करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। काजू और बादाम को थोड़ा हल्का सा क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गोल लड्डू बन रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी निकल रहा है, क्योंकि हमने जो कंडेंस मिल्क डाला है, तो सारे लड्डू ये रेडी हैं। तो अभी हमने लिया है जो सूखा नारियल, जो डेसिकेटेड कोकोनट है, अभी एक एक लड्डू इसके ऊपर करके ऐसे उसको रोल करते जाएँ। तो इसके ऊपर अपने आप ये थोड़ा सा स्टिकी होते हैं जब ताज़े ताज़े बनते हैं, तो अगर हम इसके सूखे नारियल के ऊपर रखेंगे तो जो सूखा नारियल है इसके ऊपर अपने आप चिपक जाएगा। तो ठीक है, बाकी ऐसे ही सारे लड्डू आपको बना लेने दें, क्योंकि अंदर से तो ये दिल के लड्डू अच्छे हैं ही, बाहर से भी इसको अच्छे से कपड़े पहना देते हैं, ताकि ये बाहर से भी सुंदर लगे दिखने में। तो ऐसे ही हमने इसके ऊपर इसका जो रैपिंग है वो हमने सूखे नारियल के साथ कर लेनी है।
तो आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। जैसे जैसे बन रहे हैं मुँह में पानी भी वैसे वैसे आना शुरू हो गया है। तो अभी हमारे सारे लड्डू रेडी हो गए हैं, उन्हें हमने उसका जो रैपिंग अच्छे से कर ली है, उसको जो अच्छे से डेकोरेट भी करने के लिए हमने लिया है यहाँ पे पिस्ता। अगर आपके घर में पिस्ता नहीं है तो आप काजू बादाम कुछ भी ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर पिस्ता नहीं डालेंगे तो उसके कोई टेस्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। इस लड्डू को टोटल टाइम बनाने में लगा है 8 मिनट, मेरे को लगे 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको भी। तो बताइए आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगी, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इंस्टेंट बनने वाले लड्डू। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।